दोस्तों, स्पीकर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि वो गाने सुनने और एक दूसरे से बात करने के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पीकर में मैग्नेट क्यों लगाया जाता है और स्पीकर में कितने मैग्नेट होते हैं? आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि स्पीकर में मैग्नेट यानी कि चुंबक क्यों लगाया जाता है और ये किस तरह काम करता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं स्पीकर और उसमें लगे चुंबक के बारे में। दरअसल स्पीकर में दो प्रकार के मैग्नेट होता है, पहला फिक्स मैग्नेट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब दोस्तों चलिए इन दोनों चुंबकों को बारीकी से समझते हैं कि आखिर स्पीकर में काम कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फिक्स मैग्नेट के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब इलेक्ट्रिक वोल्टेज भी और करंट आई स्पीकर कॉइल को देता है तो कॉइल में वोल्टेज के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और स्पीकर के बाहर फिक्स मैग्नेट होता है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के आकर्षण और अपकर्षण के हिसाब से कॉइल वाइब्रेट होती है। अब दोस्तों जानिए इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तो जैसे ही कॉइल की वाइब्रेशन होती है वैसे ही मैग्नेट लगे उपकरण वाइब्रेट हो जाता है, जिसे आप स्पीकर का पर्दा कहते हैं, जो काले रंग का आगे लगा रहता है। और इसी प्रक्रिया के कारण इलेक्ट्रिक वेव साउंड में यानी कि विद्युत तरंग आवाज में परिवर्तित हो जाती है। और अगर मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और स्पीकर के पर्दा के बीच तालमेल ना हो तो आपको आवाज भी सुनाई नहीं देगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आप इसी से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्पाइसी, स्पाइसी, स्पाइसी।